हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज, इस वीडियो में हम लोग ट्रायो मर्केंटाइल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये बेसिकली ट्रायो मर्केंटाइल के ऊपर एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो है। तो गाइज, इस वीडियो में हम लोग दो पॉइंट्स कवर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। एंड दी सेकेंड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टेक्निकल्स के बारे में, मतलब स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स, सपोर्ट जोन कहाँ पे है, तो इस सब के बारे में हम लोग सेकेंड पॉइंट में डिस्कस करेंगे। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट के कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी ट्रेडिंग भी करती है, इन्वेस्टमेंट्स भी करती है एंड उसके साथ साथ कंसल्टेंसी एंड ब्रोकरेज सर्विसेज भी प्रोवाइड कराती है। अगर इस कंपनी के बिजनेस के रिगार्डिंग आप लोगों को कोई भी चीज़ डिटेल में जानना है तो कंपनी के वेबसाइट में जाकर आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी सिर्फ और सिर्फ BSE में लिस्टेड है एंड ये एक पेनी स्टॉक है, 1 रुपये के आसपास ट्रेड करने वाली। 9.31 करोड़ की यह कंपनी की मार्केट कैप। स्टॉक की PE यहाँ पर मेंशन नहीं है। ROCE रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। बुक वैल्यू से काफी सस्ते में आप लोगों को मिल रही है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 2 रुपए की है। अगर इस कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो पहले प्रोज चेक कर लेते हैं। प्रोज में सिर्फ और सिर्फ 2 ही पॉइंट है कि ये एक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है एंड ये कंपनी बुक वैल्यू से आप लोगों को सस्ते में मिल रही है। और अगर कॉन्स में देखा जाए तो कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, लास्ट 5 साल की सेल्स ग्रोथ, लास्ट 3 साल की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है दोनों ही नेगेटिव में जा चुकी है एंड प्रमोटर्स की होल्डिंग इस कंपनी में 5% से भी कम है। अगर इस कंपनी के मार्च क्वार्टर के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो मार्च क्वार्टर में कंपनी एक जबरदस्त सेल्स दिखाई है एंड अगर इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट देखा जाए तो 16 लाख रुपीज के आसपास की प्रॉफिट पोस्ट किया है। अगर FY 2022 के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहां पे आप लोग कंपनी की सेल्स ड्रॉप देख सकते हो। सेल्स कुछ है ही नहीं कंपनी की और अगर देखा जाए तो सेल्स से ज्यादा कंपनी की एक्सपेंसेस है। और अगर इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट देखा जाए तो 46 लाख के आसपास की कंपनी नेट लॉस शो किया है। और अगर देखा जाए तो कंपनी पहले प्रॉफिटेबल थी, अभी जो है लॉस मेकिंग बन गई है ये कंपनी। अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो FY 2020 से रिलेटेड बैलेंस शीट की जो अपडेट है वो अभी तक नहीं आई है। अगर कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज में आप लोगों को इम्प्रूवमेंट होता हुआ नजर आ जाएगा। अगर इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो यह आप लोगों के सामने है। मार्च क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न टोटली अनचेंज है, लेकिन अगर देखा जाए तो पब्लिक की होल्डिंग 95.16% है इस कंपनी में। मतलब बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है ऐसे स्टॉक्स की शेयर प्राइस को मैनिपुलेट करना, क्योंकि कोई भी प्रोमोटर नहीं है, ऐसा प्रोमोटर नहीं है। प्रोमोटर से ज़्यादा तो होल्डिंग रिटेलर्स के पास है, चाहे वो बड़े हो या छोटे। तो बहुत ही आसान हो जाता है ऐसे स्टॉक्स की प्राइस को मैनिपुलेट करना एंड रिटेलर्स को ट्रैप करना। ऐसे स्टॉक्स जनरली अपर सर्किट या तो फिर लोअर सर्किट में ही क्लोजिंग करती है। नॉर्मल ट्रेडिंग बहुत ही कम होती है ऐसे स्टॉक्स में। तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा ऐसे स्टॉक से दूर रहे। और ये मैं वीडियो इसीलिए बन रहा हूँ क्योंकि मेरे एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई ट्रायो मर्केंटाइल के ऊपर एक वीडियो बना दो, तो मैं ये डिटेल एनालिसिस वीडियो भाई के लिए बना रहा हूँ। ये तो हो गया कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस। अभी हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं BSE के डेली चार्ट पे और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी जो है अपनी ऑल टाइम लो के आसपास ट्रेड कर रही है। 52 वीक लो नहीं, ऑल टाइम लो, मतलब जब से कंपनी लिस्टेड हुआ तब से कंपनी की जो लो है उसके आसपास कंपनी अभी ट्रेड कर रही है एंड ये कंपनी अभी एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है। तो मैं इसीलिए आप लोग को यही रिकमेंड करूँगा कि स्विंग ट्रेड भी इस कंपनी में प्लान मत करो, क्योंकि किस पॉइंट से, किस प्राइस पॉइंट से, किस सपोर्ट जोन से ये कंपनी रिवर्सल शो करेगी वो किसी को नहीं पता। अगर आप लोग स्विंग ट्रेड इस कंपनी में लेते हो या तो फिर पोजिशन बनाते हो तो मैक्सिमम चांस यही रहेगा कि आप लोगों का जो पैसा है वो ट्रैप्ड हो जाए या तो फिर लॉस बुकिंग करके निकल जाओ। मतलब सक्सेस की जो चांसेस है वो बहुत ही कम है, इसलिए बहुत ही निग्लिजेबल है। इसलिए मैं आप लोगों को ये बोलूँगा लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड स्विंग ट्रेड इस कंपनी में सिंपली अवॉइड करो। एंड अगर ट्रेडिंग करना है तो कोई ब्लू चिप कंपनी में करो या तो फिर ठीक ठाक पेनी स्टॉक में करो जिसका फंडामेंटल्स अच्छा है। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइस अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइस। बाय गाइस एंड डेफिनेटली गाइस स्टे सेफ।